हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि मोटरसाइकिल को चलाते वक्त क्लच को दबाकर गियर को चेंज करना चाहिए, लेकिन आज का सवाल ये है कि क्या बिना क्लच को दबाए गियर को चेंज किया जा सकता है, क्या ऐसा करना चाहिए और ऐसा करने से क्या नुकसान होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लच लेस शिफ्टिंग पॉसिबल है, यानी कि बिना क्लच को दबाए गियर को शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक टेक्निक है और उस टेक्निक के बारे में मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली क्लच करता क्या है। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक क्लच की असेंबली यहाँ पे रखी हुई है। अब मैं आपको बताऊं कि जो क्लच होता है वो बेसिकली होता क्या है कि जो आपके गाड़ी के इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट होता है, ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट का ये वाला जो शाफ्ट होता है एक एंड से इसके साथ कनेक्टेड होता है। ओके, एक एंड से इसके साथ कनेक्टेड होता है और ये जो क्लच है का असेंबली है वो दूसरे एंड से आपके ट्रांसमिशन के शाफ्ट के साथ, यानी कि गियर बॉक्स जिसमें गियर होते हैं उसके शाफ्ट के साथ इस तरह से, मैं बता दूं, कनेक्टेड होता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि गियर बॉक्स में इस तरह भी बहुत सारे लिंकेजेस होते हैं और इस तरह भी कुछ पार्ट्स होते हैं, हालांकि हम उसके ऊपर में नहीं जाएंगे, हम टॉपिक की बात करते हैं। अब देखिए, जब होता क्या है कि जब हमारा क्रैंकशाफ्ट, ये जो क्रैंकशाफ्ट ये जब घूमता है तो इसका जो रोटेशनल पावर है, इसका जो रोटेशन है वो ट्रांसमिट होता है इस गियर बॉक्स के शाफ्ट में, ये भी घूमने लगता है। और फिर क्या होता है कि ये जो रोटेशनल पावर है ये सीधा जाता है बेल्ट या फिर जो चेन होता है उसके थ्रू आपके मोटरसाइकिल के पीछे चक्के तक, और फिर मोटरसाइकिल है वो मूव करता है। और ये जो पावर यहां से यहां तक जा रहा है इसमें मेन रोल अदा करता है ये हमारा क्लच। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। देखिए, जब हम लोग क्लच को प्रेस करते हैं, जब हम लोग क्लच को दबाते हैं तो ये जो शाफ्ट है, इसका जो शाफ्ट है और इसका शाफ्ट है, इनका जो आपस में ये जो इंगेजमेंट था वो हट जाता है एक तरह से, ठीक है। और जब हम दोबारा से क्लच को छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ये फिर से इस तरह से इनका फिर से इंगेजमेंट हो जाता है। हालांकि ये इस तरह से पूरी तरह अलग नहीं होते हैं, इनका अंदर में ही होता है, लेकिन इनका इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट होता है इस क्लच के वजह से। और इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जब हम लोग गियर को चेंज करें तो क्लच को प्रेस कर दे ताकि इन दोनों शाफ्ट का आपस में जो इंगेजमेंट है वो डिसइंगेज हो जाए और अच्छी तरह से और आसानी से ये जो हमारा गियर है, जितने भी गियर्स हैं उनका शिफ्टिंग हो सके, एक गियर से दो गियर, दो गियर से तीन गियर, तीन गियर से चार गियर हम लोग जा सके। लेकिन अब सवाल है कि अगर हम लोग बिना क्लच को दबाए हुए गियर को चेंज करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा। उससे नुकसान यह होगा कि देखिए, पहली बात तो मैं आपको टेक्निकल समझा देता हूं कि जैसे हम लोग गियर को चेंज करते हैं तो गियर रेशियो चेंज होता है, यानी कि जैसे जैसे गियर चेंज होते रहता है उससे ये जो शाफ्ट है इसका जो रोटेशन हो रहा है वो उसका रोटेशन तेज होते जाता है। और उससे क्या होता है कि जैसे हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं तो ये जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है इंजन वो पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, लेकिन टॉर्क जो है वो टॉर्क कम होने लगता है। अब अगर आप बिना क्लच को दबाए गियर को चेंज करोगे तो एक तो आपका जो क्लच का असेंबली है वहाँ पे नुकसान होगा और दूसरा जो आपका गियर बॉक्स का पूरा अरेंजमेंट है वहाँ पे नुकसान होगा। गियर बॉक्स में बेसिकली नुकसान ये होगा आपको कि जो गियर्स है उनका जो टीथ है इनका आपस में वियर एंड टेयर ज़्यादा होगा, इनका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, हो सकता है कि गियर बॉक्स की जो टीथ है वो टूट जाए, हो सकता है कि गियर बॉक्स भी आपका ब्लॉक हो जाए, पूरी तरह से लॉक हो जाए, वो काम करना बंद हो कर दे। तो पहली बात तो इस तरह से गियर बॉक्स की तरफ ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, अगर आप बार बार ऐसा करोगे तो ये भी पॉसिबल है कि जो आपका क्लच प्लेट है वहां पे भी प्रॉब्लम होगा, उसका भी फ्रिक्शन होगा और ये भी खराब हो सकता है, जल सकता है, इसका वेयर एंड टियर बढ़ जाएगा, इसका लाइफ कम हो जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम आपको क्लच प्लेट के साथ और क्लच असेंबली के साथ देखने को मिलेगा। तो दो तरह से प्रॉब्लम होगा, एक तरफ आपका ट्रांसमिशन का और दूसरी तरफ आपका जो क्लच का, तो इस तरह से प्रॉब्लम होगा आपका। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच और गियर बॉक्स के जितने भी गियर बॉक्स होते हैं उसके बारे में जानना चाहते हो तो सारे ही वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यह पहले तो बता दूं कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना क्लच को दबाए गियर को चेंज नहीं करना चाहिए, यह सेफ भी नहीं होता है, आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है और आपके गाड़ी के इंटरनल कंपोनेंट्स को भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो यह बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता है।
फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्लच लेस शिफ्टिंग के टेक्निक के बारे में बता देता हूँ। और टेक्निक को बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये जो टेक्निक है वो प्रोफेशनल जो राइडर होते हैं, जो स्पोर्ट्स रेसिंग वगैरह करते हैं, जो ड्रैग रेसिंग करते हैं, वो लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हैं टाइम को बचाने के लिए। इसलिए मैं आपको टेक्निक बताने से पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस टेक्निक को यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अब देखिए, ये जो टेक्निक है वो दो कंडीशन में काम नहीं करता है। पहला तो ये, जब आप डाउन शिफ्टिंग करो, ठीक है, आप गियर्स को कम करो 5, 4, 3, 2, 1, वहां पे बहुत से कम लोग ही इसे यूज करते हैं। और दूसरा, ये जो टेक्निक है वो 1 और 2 गियर पे भी काम नहीं करता, यानी कि जब आप 1 से 2 गियर जाओ या 2 से 1 गियर जाओ, ठीक है। अब ये जो टेक्निक है वो इस तरह से है, मान लिया आप अपने मोटरसाइकिल को चला रहे हो और अराउंड 25 से 30 की स्पीड में आप चला रहे हो और गाड़ी जो आपकी है वो 2 गियर में है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने पैर से जो गियर का लीवर है उसे, जिससे आपके गियर को शिफ्ट करते हो 2 से 3, 3 से 4 करते हो, तो मान लीजिए 2 गियर में है तो आपको 3 के लिए जाना है, तो आपको 3 के लिए हल्का सा पुश करना है, गियर शिफ्ट नहीं होना चाहिए, बस हल्का से इसे प्रेस करना है। उसी टाइम पे जो आप थ्रॉटल ले रहे हो, जो स्पीड दे रहे हो, जो एक्सेलेरेटर दबाए हुए हो आप, उसी टाइम पे आपको क्या करना है, एक्सेलेरेटर को पूरी तरह से डाउन करना है और 3 गियर लेना है और फिर से एक्सेलेरेटर ले लेना है, ठीक है। फिर आप चल रहे हो 35-40 का स्पीड में, फिर से क्या करोगे, आप 3 गियर में हो, हल्का सा गियर को हल्का सा वहां पर जर्क देना, लेकिन गियर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। हल्का सा पुश करने के बाद क्या करोगे, आप फिर से आप थ्रॉटल को पूरी तरह से कम करोगे और जैसे ही कम होगा उसी टाइम पे आपको 3 से 4, 4 से 5 इस तरह से आप कर सकते हो। ये एक टेक्निक है जो रेसर लोग, जो अच्छे अच्छे राइडर होते हैं, जो प्रोफेशनल राइडर लोग होते हैं, वो यूज करते हैं क्लच लेस शिफ्टिंग के लिए, क्योंकि क्लच को दबा के शिफ्ट करने में कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। और चूंकि रेसिंग का पूरा खेल ही टाइम का होता है, तो इस तरह के टेक्निक को राइडर लोग यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो आपको फिर क्लैंकिंग का आवाज सुनाई देगा, आपको अपने गियर बॉक्स से मेटल्स के टकराने का आवाज सुनाई देगा, क्योंकि जो गियर जो होते हैं सारे मेटल्स के ही बने हुए होते हैं, और इससे गियर बॉक्स को नुकसान हो सकता है, क्लच को भी नुकसान हो सकता है। तो ये एक टेक्निक है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने आपको, जो कि प्रोफेशनल राइडर लोग यूज करते हैं। वैसे आप इसे नहीं यूज करें, मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको, क्लच दिया गया आप क्लच को ही यूज करें। तो फ्रेंड्स, ये था क्लच से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि बहुत से लोग क्वेश्चन के जरिए मुझसे पूछ रहे थे। आई एम श्योर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस टॉपिक के ऊपर में जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।